हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो एक मैच होने वाला है ललीगा सेंटर लीग का वैलेंशिया वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के बीच। तो बात करें, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए। तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो वैलेंशिया वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के अंदर जिसके जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं वो एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल लेवल के टॉप प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैलेंशिया के पास नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन जीतने के जो चांस है ना वो वैलेंशिया से ज़्यादा है एटलेटिको मैड्रिड के। एंड आगे से बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा सबसे अपना पहला प्लेयर जैस्पर क्लैसन को। जैस्पर क्लैसन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया मैंने आज इस मैच के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओपोनेंट टीम के पास एटलेटिको मैड्रिड के पास टॉप के मतलब पेनल्टी टेकर्स एंड गोल्स करने वाले ग्रेट ग्रेट प्लेयर हैं। तो अगर आज इनको चलना है ना तो लिटरली गोलकीपर को ही कुछ करना होगा, लेकिन वो कुछ सेव करेगा, बाकी तो गोल होएंगे ही। बात करें जे जिमेनेस की, तो भाई गलती से भी जे गया को मत लेना। नहीं लेना है ले लो, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है अगर गोल कर गया तो आप लोग मुझे ही बोलोगे कि यार आपके कहने पर छोड़ा था और गोल कर दिया। मुझे पता है जिसने लेना है वो ले लो, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं अपना एक मेन प्लेयर निकाल के अगर मैं एक प्लेयर को ट्राई करूं वो मेरे लिए भाई थोड़ा इम्पॉसिबल है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं अगर ट्राई करता भी हूँ किसी को तो गाइस तो मैं जे जिमेनेस को तो छोड़ने से रहा हूँ, और मेरे पास क्रेडिट इशू यहाँ पर आएगा अगर मैं इसको छोड़ता भी हूँ तब भी जे गया नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने जे जिमेनेस और नेक्स्ट प्लेयर किरण ट्रिपर ने पिछले मैच में मिडफील्डिंग की थी। मतलब ये ना ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें एनालाइज करने में आसान होते हैं। अब हमें पता है कि ट्रिपर ने मिडफील्डिंग की थी तो मेन पिक है। एंड से एस सेविक की बात करूँ, सेविक इज़ अ ग्रेटेस्ट डिफेंडर। मैंने आज तक इस बंदे को अपनी फॉर्म से बिगड़ते ही नहीं देखा। मतलब फॉर्म सबके ऊपर नीचे होती है लेकिन बिगड़ते हुए नहीं देखा कि प्रॉपर बिगड़ गई हो। मतलब ठीक करता है डिफेंड, अगर करने वो नेचुरली अच्छी डिफेंडिंग वही करता रहेगा बीच बीच में। एंड आगे से बात करें हरमोसो की, हरमोसो का थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का चक्कर है तो देख के करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बीच में होता है इस बीच कई बार, बट पिछले मैच में ये हुआ नहीं तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है इस प्लेयर को लेकर। एंड आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, वाई करेस्को को लूँगा, यहाँ पर है वन अनदर प्लेयर वाई करेस्को। पिछले मैच में लोगों ने इसको ड्रॉप किया होता, मैं लिटरली हैरान हूँ, 78% लोग इसको अपनी टीम में लेकर आए इधर लिखा है, लेकिन मैंने कम से कम, मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो इस मैच में मैंने 8 या 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे स्मॉल लीग के, जिसमें से मेरे 4-5 थे हेड टू हेड, और बाकी के 2-3 थे वो थे मेरे 3-member कॉन्टेस्ट, जिसमें कि कम से कम 5 कॉन्टेस्ट में वाई क्रैस को मेरे ओपोनेंट का था नहीं। मतलब एक तरफा मैं जीत चुका था इस प्लेयर के कारण। इसकी जगह लोगों ने लिया हुआ था क्रेडिट बचाने के चक्कर में कॉक और दूसरा आर्डेपॉल। मैंने मतलब आर्डेपॉल ने भी सिर्फ एक ना एक 40 पॉइंट दिए जिसमें रियल बैटिस को इसने की थी एक शॉट ऑन टारगेट की ट्राई। और सी सोलर की बात करूं, अगर सोलर ना खेला तो और क्रेडिट बचेंगे, तो और क्रेडिट बचेंगे, क्योंकि सोलर को जब आखिरी मैच, मतलब ये ना फिट है, मतलब इसकी इंजरी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, वरना ये सब्स्टिट्यूशन भी ना आता। डी वास की बात करूं, देखो वास को आपने लेना है देन लो, लेकिन वास से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गोल वगैरह। ये अगर असिस्ट भी करता तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वैलेंशिया का मैं गोल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड आगे से बात करें एल सोरेस की, तो यहाँ पे देखो लुइस सोरेस काफ़ी मैच से फ्लॉप जा रहा है, काफ़ी मैच से वो इसलिए क्योंकि अगर आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग टीम हो तो आप अंडर प्रेशर आते हो, सबसे पहले स्ट्राइकर अंडर प्रेशर आता है, डिफेंडर तो फिर किसी तरह बोल पहचान देंगे लेकिन स्ट्राइकर अंडर प्रेशर जल्दी आता है, ये देखा गया है। और जी ग्यूडिस की बात करूँ, यहाँ पे लूँगा गोंसालो ग्यूडिस को, इसको पहले मैंने सोचा था ड्रॉप करूँगा, लेकिन जब मेरे को पता चला कि जब मैंने ग्यूडिस को एनालाइज किया तो पता चला कि वैलेंशिया का द मेन प्लेयर नीचे से एम गोमेज काफ़ी कम मैचेस खेल रहा है, और खेल रहा है तो फ्लॉप हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ग्यूडिस को अब छूट ड्रॉप नहीं करना। एंड ग्रिजमैन की बात करें, ग्रिजमैन इज़ अ कन्फर्म प्लेयर, सिलेक्शन में मत जाओ, जरूर लेना इस प्लेयर को कन्फर्म। आगे से बात करूँ कैप्टन की, सोरेस वॉज माई कैप्टन, वाइस कैप्टन वॉज माई ग्रिजमैन। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, आपका दिन